क्यों पंजाबी कनेडा जाके वसण दे सुपने देखदे ने, इस दे पिछे कारण की है? कनेडा नूं दूजा पंजाब जां फिर मिनी पंजाब क्यों कहा जांदा है? पंजाब दे हर एक दूजे घर तों जां तां कोई कनेडा पहुंच गया है जां फिर पहुंचण दी तैयारी कर रहा है। आखिर पंजाबियां दे विच कनेडा जाण दा इन्ना ज्यादा क्रेज क्यों है? पंजाब दे विचों सब तों पहलां उह किहड़ा पंजाबी सी जिहड़ा कनेडा जाके वसिया सी? अज दी इस वीडियो दे विच असीं सारे इन्हां विषयां दे उपर चर्चा करांगे ते नाल ही तुहानूं दस्सांगे कि कनेडा अज वी इंग्लैंड दा गुलाम है या नहीं। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो चोटी। कनेडा शुरू तो ही पंजाबियों का पसंदीदा देश रहा है, इस करके ही कनेडा दे विच सिखां दी जनसंख्या वधदी जा रही है। होर तां होर कनेडा दी राजनीति दे विच भी उन्हां दा प्रभाव साफ दिखाई देण लगा है। 1981 दे विच प्रवासियों की गिणती कनेडा की कुल आबादी का सिर्फ 4.7% सी ते 2016 की कनेडा की जनगणना के हिसाब नाल कनेडा दे विच हुण प्रवासियों की संख्या 22.6% हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार 2035 दे विच कनेडा की कुल आबादी दे विच 33% प्रवासी होणगे ते कनेडा दे विच प्रवासियों की इस संख्या सब तो ज्यादा गिणती सिख समाज की है। इथों तक के पंजाबी कनेडा दे विच तीजी सब तो ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। कनेडा देश दे विच इन्ना ज्यादा इंटरस्ट लैण दे सिखां दे कई कारण हन। इसका एक वड्डा कारण तो यह भी है कि कनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सिख भाईचारे दे नाल काफी ज्यादा नेड़ता है। लोग मजाक दे नाल उन्हां नूं जॉन सिंह ट्रूडो या फिर जट ट्रूडो भी कहते हैं। जॉन ट्रूडो सिखां दे इन्ने ज्यादा समर्थक हैं, इस गल का अंदाजा तुसीं इथों लगा सकते हो कि उन्हां दी कैबिनेट दे विच 4 सिख मंत्री हैं। इस तों बिना कनेडा दे इमीग्रेशन नियम भी होर देशां दे मुकाबले काफी ज्यादा आसान ने। पंजाबी भाईचारे के लोग कई दहाकों तो कनेडा दे विच खेती कर रहे हैं, उत्थे उन्होंने अपनी एक नवी ही दुनिया बसा ली है जिथे देश तो दूर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने देश की कमी महसूस नहीं होंगी। कनेडा अपने देश दे विच रह रहे हर एक नागरिक नूं अपने धर्म नूं मनण की खुली इजाजत दिंदा है। इस कारण भी बहुत सारे सिख इत्थे आके वसण के लिए प्रेरित होंगे। हुण प्रश्न यह उठता है कि सिख दूजे देशों तो ज्यादा कनेडा नूं क्यों महत्व देंदे ने? यह जानने तो पहला तुसीं यह जान लो कि कनेडा दे विच सब तो पहला सिखां दे वसण की शुरुआत कित्थों हुई सी। पहला कनेडा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का उपनिवेश होया करता सी ते इत्थे भी महाराणी विक्टोरिया का राज सी। होया इस तरह कि 1897 दे विच महाराणी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकां दी एक टुकड़ी नूं डायमंड जुबली सैलीब्रेशन दे विच शामिल होण दे लई लंडन बुलाया सी। उन्हां दे इस उद्देश ते घोड़सवार सैनिकां दा एक दल ब्रिटिश कोलंबिया दे रास्ते महाराणी दे नाल चल पिया। सैनिकां दी इह टुकड़ी दे विच रसालेदार मेजर केसर सिंह भी शामिल सन ते कनेडा दे विच वसण वाले पहले सिख यही केसर सिंह सन। इह तां तुहानूं पता ही होवेगा कि सिखां नूं आर्मी दे विच भर्ती होना शुरू तों ही पसंद है। इस लई ब्रिटिश आर्मी दे विच भी कई सिख अपनियां सेवावां दे रहे सन ते इन्हां सैनिकां दे विच ही शामिल सन रसालेदार मेजर केसर सिंह। केसर सिंह भारत वापस नहीं आए ते अपने साथियों दे नाल उत्थे ही वस गए। उन्हां दे नाल दे बाकी दे सैनिक भारत दे विच वापस आ गए ते जदों भारत दे विच वापस आए तां उन्हां दे कोल कनेडा नूं लै के कई किस्से कहानियां सन। इन्हां सैनिकां दीआं गल्लां ने कई लोकां नूं प्रभावित कीता ते इन्हां ने यह भी कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कनेडा दे विच आप भारतीयां नूं वसाउणा चाहुंदी है। यह सब जानण तों बाद सिख अपनी मर्जी दे नाल कनेडा दे विच जा के वसण दे लई तैयार हो गए। आउण वाले कुछ सालां दे विच 5000 भारती कनेडा जाके वस गए जिन्हां दे विचों 90% सिख सन ते उदों तो ही यह सिलसिला अज तक चलिया आउंदा है। ते अजिहा बिल्कुल भी नहीं है कि कनेडा दे विच पंजाबियों नूं संघर्ष नहीं करना पिया सी उत्थे वसण दे लई। जदों इन्नी वड्डी गिणती दे विच पंजाबी कनेडा जाके वसण लगे तां खाण पीण रहण अते नौकरियां दे विच उन्हां दा विरोध होना शुरू हो गया ते 1907 आउंदे आउंदे भारती लोकां दे उपर नस्ली हमले शुरू हो गए। इस तों कुछ सालां बाद भारत तों कनेडा दे विच जाण वाले प्रवासियों दे उपर रोक लगाउण दे लई कानून बणा दिते गए ते पहला कानून यह बनाया गया कि कनेडा आउंदे समें हर एक भारती दे कोल $200 होने चाहिए हैं। हालांकि यूरोप तो आने वाले लोगों के लिए यह रकम सिर्फ $25 सी, पर उदों तक काफी ज्यादा भारतीय उत्थे वस गए सन ते जिन्हां दे विचों ज्यादातर सिख सन ते यह लोग इन्हीं मुश्किलों के बावजूद भी अपने सुपनों को छड्डन लई तैयार नहीं सन ते इन्होंने अपनी मेहनत ते लगन दे नाल खुद नूं कनेडा दे विच स्थापित किया ते इन्होंने इत्थे रहिंदे होए कई गुरद्वारा साहब भी बनवाए ते एक समां अजिहा भी आया जदों सिखां नूं जबरदस्ती कनेडा तों भारत भेजिया गया। 1960 दे विच कनेडा दे विच लिबरल पार्टी की सरकार बनी ते यह सरकार सिखां दे लई काफी ज्यादा लाभकारी साबित हुई। कनेडा दी संघी सरकार ने कनेडा की इमीग्रेशन दे विच काफी ज्यादा बदलाव किए ते विभिन्नतावां नूं स्वीकार करन दे लई इन्हां ने दरवाजे खोल दिते। इसका कारण यह होया कि इस तों बाद भारतीय मूल दे लोकां दी कनेडा दे विच आबादी होर तेजी दे नाल वधण लगी। भारत दे विचों तकरीबन हर एक इलाके दे विचों लोकां ने कनेडा आउणा शुरू कर दिता जिहड़ा कि अज भी जारी है। हुण तुहानूं इह दस्सदे आं कि कनेडा दे विच अजिहा की खास है जिहड़ा कि भारत दे लोकां नूं कनेडा इन्ना ज्यादा पसंद है। कनेडा अमेरिका दे उत्तरी भाग दे विच स्थित एक देश है। यह तीन पासिआं तों अटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर ते उत्तर दे विच आर्टिक महासागर तक फैलिया होया
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 9.98 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਟਾਵਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 11ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ Facebook ਦੇ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।